थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद हो ए खुदा की रूह जो हमें तू छू Yeah.
मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु।
यू लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा यीशु मसीह। ओ लॉर्ड जीसस हालेलुया, तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे, अपने होठों को खोल के प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा जीसस, थैंक यू जीसस, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, यीशु मेरा यीशु यीशु। Yeah.
बंधन ही टूटेंगे, बंधन टूटेंगे परमेश्वर की आग से, उसके मसा से, उसके पाखरों से बंधन टूटेंगे। हालेलुया, आराधना करेंगे पाखरों में भरकर, आराधना करेंगे उसके मसा में भरकर, ताकि वो आपके बंधन टूटे, ताकि आप उधर ना देखें, यस परमेश्वर को देखें, आप इधर उधर बिल्कुल नहीं देखेंगे, आप परमेश्वर उसके आराधना करें, वो जो इसके योग्य है। हालेलुया, 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 आपको परमेश्वर आराधना करना सिखा रहा है कि कैसे आराधना करें। हालेलुया, आत्मा में भरकर आराधना करना, रूह में भरकर आराधना करना, ताकि वो बंधन टूटे, आप बीमारियों को लेकर, शापों को लेकर यहाँ से वापस ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, ऐसे आराधना करना। हालेलुया, रेडी है? यस। तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, ऐसा तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, सब लोग अपने आप को बंद करें, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे आपको छुए, कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा आज आपको भर दे। हालेलुया, तो बाइबल कहती है किसी की परवाह किए बगैर आत्मा में
शरीर में भी नाचते हुए परमेश्वर की महिमा करें, दिल से उसकी आराधना करें। आपके बंधन जरूर टूटेंगे जब अपनी आंखों को बंद किए हैं आप लोग। परमेश्वर के वचन से मैं एक पैसेज पढ़ना चाहता हूँ। ये अंधे बर्तिमाई को दृष्टि दान मिलने की कहानी है। मरकुस उसका 10 अध्याय है और 46 से आगे है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने, अपनी आंखों को बंद रखें। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रही थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कहने लगा। क्या करने लगा? पुकार पुकार, मेरे पीछे बोलिए, पुकार पुकार कहने लगा। हालेलुया। तो एक बार नहीं, वो पुकार पुकार कर लगातार पुकार पुकार कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह। बहुत सारे लोग डांट नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों के शर्म के मारे लोग चुप हैं। लेकिन तिमाई का पुत्र बर्तिमाई चुप नहीं है, क्योंकि इसे दृष्टि चाहिए, जन्म से अंधा है, एक बड़ा काम चाहिए, इसलिए चुप नहीं रह सकता है। आप अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करे, आपको चुप रहना नहीं है, आपको चुप रहना नहीं है। अगर चुप रहोगे तो काम नहीं होगा। कह रहा है, वो पुकार पुकार कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो लोग डांटने लगे रहे कि चुप रहे। तब यीशु ने जब देखा कि वो बार बार पुकारते चला जा रहा है, यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, ये वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। जब वो अपने दिल से, मन से, एक आत्मा, एक प्राण, एक मन होकर उसको पुकारने लगा, लोग बोले, क्या कर रहा है, मत पुकार। लोग डांटने लगे, चुप कराने लगे। आज लोग आपको भले कह दे, क्या कर रहा है, डांस कैसे कर रहा है, पड़ोसी कहे, ये तो बहुत निर्लज्जता के साथ बिना लज्जा करे डांस कर रहा है, आज करो, क्योंकि आज आपका छुटकारा है। हालेलुया। ऐसा करो और आप पाओगे परमेश्वर के बड़ी आशीषों को। हम किसी को देखने नहीं आए हैं, किसी के वस्त्र, किसी के कपड़े, किसी का मेकअप देखने नहीं आए हैं, हम परम प्रधान परमेश्वर से मिलने आए हैं और उसकी आशीष पाने आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो आज आपका चुप कराने के लिए बोलेंगे, जो आपका मजाक उड़ाएंगे, वही कहेंगे, वाह, तेरे जीवन में बड़े काम प्रभु ने कर दिए। हालेलुया। वही लोग जो चुप करा रहे थे, इस अंधे को अपने अपने सामने दृष्टि पाते हुए देखा। हालेलुया, हालेलुया। और क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उसे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और अपने मार्ग में उसके पीछे हो लिया, उसके पीछे हो लिया। अगर आप वर्शिप करोगे, आज आप किसी का ध्यान नहीं करोगे, परवाह नहीं करोगे, उसके तरफ मन लगाओगे, उसकी आराधना करोगे, ओ हालेलुया, स्वर्ग का परमेश्वर कहेगा, रुक जाओ, उसको बुलाओ। स्वर्ग दूतों को बोलेगा, उसको छुओ, जाओ, उसको हील करो, और आपकी चंगाइयां होंगी, आपका ब्रेक थ्रू होगा, आपका कर्जा टूटेगा, आपकी बेरोजगारी दूर होगी, आपकी समस्या दूर होगी, क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर आपकी आवाज को सुन लिया है, आपके नाचने को सुन लिया है, आपके गुनगुनाहट को सुन लिया है, आपके दिल से आराधना को सुन लिया है। हालेलुया, बोले सो मसीह के, हालेलुया। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे।
थैंक यू जीसस, अपने होठों को खोलेंगे,
और प्रभु का धन्यवाद देंगे, बोलेंगे जा चली जा बीमारियां, टेंशन, चिंताएं, माइग्रेन, ट्यूमर, गांठे, रसौलियां, पथरी, लड़ाई झगड़े, निराशाएं, बाजपन, हर समस्या चली जाओ, हमारे शरीरों को छोड़कर सारी समस्या चली जाओ, निकल जाओ, शरीरों को छोड़कर बाहर निकलो, बाहर निकलो, आप बोलो बोलो बाहर निकलो, जो भी आपकी समस्या है बाहर निकलो। शरीर परमेश्वर का है, ये शरीर उसने बनाया है अपनी महिमा के लिए, और शैतान आपको भरमाता है, आपके परिवारों में घुसकर लड़ाई झगड़े करवाता है, डिवोर्स करवा देता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, बच्चों में लड़ाई झगड़े, परिवार की शांति सुकून को छीन लेता है, नशा करवा के परिवारों को बर्बाद करता है, पैसे की कमी करवा देता है, आर्थिक समस्याएं हो जाती है, ये सब शैतान है जो छुप कर बैठा है। इसलिए उसको डांटो अपने परिवार से, अपने जीवन से, जो भी समस्याएं जो बार बार आपको प्रताड़ित करती है समस्या, उनको डांटो 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 जीसस। एक बार जोर से ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए, इसके बड़े कामों के लिए, इसके बड़े छुटकारे के लिए, बड़ी डिलीवरेंस के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे, मतलब परमेश्वर को, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को सबसे पहले विश्वास करना चाहिए कि वह है, परमेश्वर है, यह विश्वास करना बहुत जरूरी है, और अपने खोजने वाले को परमेश्वर प्रतिफल, रिजल्ट, इनाम जरूर देता है। हालेलुया। विश्वास है कि वो है, आप उसको खोज रहे हैं, विश्वास के साथ आप आराधना कर रहे हैं, दिल से आराधना कर रहे हैं, आप छुटकारा पाओगे, आप डिलीवरेंस पाओगे, आप चंगाई पाओगे, आप ब्लेसिंग पाओगे, क्योंकि वो है, क्योंकि वो है, क्योंकि वो है, क्योंकि वो आशीष देता है, क्योंकि वो छुटकारा देता है, क्योंकि वो ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। 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 हालेलुया।
बोल यीशु मसीह की जय। बोल यीशु मसीह की जय। बोल यीशु मसीह की जय। चाहे शैतान कितने भी दुख आपके जीवन में लेकर आ जाए, हालेलुया, पर आप हिम्मत नहीं हारना। हालेलुया, यीशु पर भरोसा रखते हो ना, यीशु पर भरोसा रखते हो ना, वो सारी बीमारियों को टाटता है। हालेलुया, जब आप बोलते हो ना अधिकार के साथ, शैतान आपके परिवार, आपके बच्चों में, आपके पति में, या आपकी वाइफ में, या आपके बिजनेस में, या आपके कैरियर में, या आपके फ्यूचर में, या आपके आपके फाइनेंस में, वो शैतान घुस नहीं सकता है। हालेलुया, 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 वो दूसरा आत्मा आपके शरीर के अंदर नहीं घुस सकती है। क्यों? क्योंकि आप यीशु के हो। हालेलुया, आप यीशु के हो। हिम्मत नहीं हारना है। हालेलुया, विश्वास को कमजोर नहीं करना है, बस भरोसा रखकर आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, और यीशु सारी चीजों में आपकी आशीष ही आशीष है लेकर आने वाला है। हालेलुया, बड़ी ब्लेसिंग्स, बड़ी आशीष है, बड़ी चंगाई, बड़े छुटकारे को आप अपने बच्चों की लाइफ में, अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, आप बॉडी के हर एक पार्ट्स में आप यीशु की डिलीवरेंस को देखो, उसके छुटकारे को देखोगे। हालेलुया, आज तो स्पेशल मीटिंग्स है, इसलिए आप अपने आप को तैयार करें, और जो भी आपकी इच्छा है इसलिए मांग लें कि आप क्या चाहते हो परमेश्वर से, आत्मा में भरना, या आपके हस्बैंड का छुटकारा, या आपके बच्चों का छुटकारा भी हो सकता है, या आपके फाइनेंस का भी हो सकता है, या आपके कर्जे भी हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आज परमेश्वर से मांगे, यीशु आज आपको अद्भुत रीति से छुटकारा करेगा, आपके परिवार में अद्भुत रीति से वो कामों को करेगा, इसलिए तैयार रहे। हालेलुया, उसके बड़े काम को अपने जीवन में देखने के लिए। हालेलुया, जोर से ताली बजाएंगे एक बार।